Hello everyone. मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे विजुअल मर्चेंडाइजिंग तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि विजुअल मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं तो फर्स्ट आता है इसका मीनिंग नेक्स्ट डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स इंटीरियर डिस्प्ले और एक्सटीरियर डिस्प्ले इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप रिटेल मैनेजमेंट की प्ले देख सकते हैं जिसके अंदर आप रिटेल मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है आप से देख सकते हैं. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए तो तो मतलब किसी भी चीज को देखना विजुअल करना दृश्य देखना वो होता है हमारा विजुअल नेक्स्ट आता है मर्चेंडाइजिंग मर्चेंडाइजिंग इज मार्केटिंग प्रैक्टिस एन विच द ब्रांड और इमेज फ्रॉम वन प्रोडक्ट और सर्विस यूज टू सेल अनादत मर्चेंडाइजिंग एक मार्केटिंग की प्रैक्टिस है ताकि हम ब्रांड को किसी भी चीज की इमेज को यूज कर सकते हैं हम अगर एक प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो हम उसके थ्रू दूसरे को भी सेल कर सकते हैं तो ये होता है विजुअल मर्चेंडाइजिंग नेक्स्ट है जो विजुअल मर्चेंडाइजिंग है ये कोऑर्डिनेशन होता है फिजिकल एलिमेंट का किसी भी बिजनेस के अंदर कि आप कैसे कस्टमर के माइंड में अपनी इमेज को बना रहे हैं विजुअल मर्चेंडाइजिंग आपको बताते हैं कि कोई भी चीज आपको देखने में कैसी लगती है अगर कोई सा स्टोर बहुत अच्छा लग रहा है तो आप आ जाके शॉपिंग करना पसंद करेंगे चीजें अच्छी लग रही हो तो आप खरीदना पसंद करेंगे तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिटेलर के लिए नेक्स्ट आता है विजुअल मर्चेंडाइजिंग एक कोऑर्डिनेशन होता है फिजिकल एलिमेंट्स का किसी भी बिजनेस प्लेस में हम प्रोजेक्ट करते हैं किसी भी चीज की राइट इमेज को हम कस्टमर के माइंड में बना सके नेक्स्ट आता है ये चेंज करता है पैसिव लुकर को इंटू एक्टिव बायर जो भी लोग देखने आ रहे हैं देखते हैं चीजों को बस देखना चाहते हैं उनको ये खरीदने के लिए मोटिवेट करता है कि वो उस चीज को खरीदे ये आपके बिजनेस की ओवरऑल इमेज को बताता है ये प्लेस मेंट बताता है कि कैसे आप डिजाइन करते हैं एलिमेंट्स को ये एक एक्टिविटी है और ये एक प्रोफेशनल है कि कैसे आप डेवलप करते हैं फ्लोर के प्लान को थ्री डिस्प्ले को ताकि आप मैक्सिमम कर सकते हैं आपकी सेल्स को तो ये डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट को बताता है कि आप कितने अच्छे तरीके से आपके प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं ताकि वो ज्यादा लोगों को अपीलिंग लगे और अट्रेक्टिव लगे मतलब लोग उसको आके खरीदे नेक्स्ट आता है ये यूटिलाइज करता है आपके डिस्प्ले को कलर को लाइटिंग को स्मेल को और साउंड को तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिटेलर के लिए की वो अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करते हैं तो वो इजीली अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ विजुअल विजुअल मर्चेंडाइजिंग मर्चेंडाइज एक आर्ट है जिसमें कि आप गुड्स और सर्विसेज को डिस्प्ले करते हैं स्टोर पे या डेकोरेटिव स्टोर पे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर का अटेंशन ले सके और आप उन लोग को मोटिवेट करते हैं कि वो आके मतलब वो पर्टिकुलर स्टोर पे ज्यादा पैसे खर्च करें तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है पर हम इसमें सिर्फ डिस्प्ले की बात करते हैं रिटेल स्टोर में उसके लेआउट को देखते हैं लाइटिंग को देखते हैं डेकोरेशन को देखते हैं मतलब आप स्टोर के डिफरेंट पार्ट्स को देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट आता है कि क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं तो फर्स्ट है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि आप सेल्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं आप अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट अच्छे फीचर्स लोगों को बताएं नेक्स्ट आता है आप जो भी लोग आपके स्टोर के सामने से जा रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट आता है ये क्रिएट करता है ब्यूटीफुल और पॉजिटिव इन्वायरमेंट को ताकि कस्टमर जब भी आपके स्टोर पे विजिट करे तो उसको अच्छा फील हो नेक्स्ट आता है ये इनहेंस करता है विजुअल इमेज को स्टोर की ताकि आप प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एक अच्छी प्लेस को क्रिएट कर सके नेक्स्ट आता है जब कोई भी कस्टमर एंटर करता है तो उसको देखना है कि जब भी वो वहाँ पे टाइम बिता रहा है उसका टाइम कैसा जा रहा है उसका शॉपिंग का एक्सपीरियंस कैसा है कई जगह पे जाके अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वहाँ पे ज्यादा देर तक रुकते हो और कहीं पे नहीं लगता है तो आप इजीली रिटर्न आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है ये एजुकेट करता है कस्टमर को डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में जो कि कोई भी स्टोर सेल कर रहा है नेक्स्ट आता है कि आप इसमें कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को देख सकते हैं जो भी रिटेल स्टोर प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है नेक्स्ट आता है कि क्या एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं विजुअल मर्चेंडाइजिंग में तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग में बहुत सारे एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया इंटीरियर डिस्प्ले और एक्सटीरियर डिस्प्ले अब इन दोनों को हम डिटेल में देखते हैं तो फर्स्ट आता है इंटीरियर डिस्प्ले इंटीरियर डिस्प्ले जो कि आपके स्टोर के अंदर की सारी चीजें होती है आपका स्टोर अंदर से कैसा दिखता है लोग आते हैं तो वो कितना अटेंशन लेता है कोई भी कस्टमर आके उस स्टोर पर कैसा फील करता है कंफर्टेबल फील करना चाहिए खुश होना चाहिए तो इंटीरियर डिस्प्ले में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लाइक आपका डिस्प्ले स्टोर का डिजाइन स्टोर का लेआउट पॉइंट ऑफ परचेस डिस्प्ले असॉर्टमेंट डिस्प्ले लाइटिंग म्यूजिक कलर साइन जो भी सारी चीजें आपको स्टोर के अंदर दिखती है डिस्प्ले में दिखती है वो सब होता है इंटीरियर डिस्प्ले तो इसमें हम देखते हैं लेआउट ऑफ द स्टोर डिस्प्ले ऑफ पॉइंट ऑफ परचेस मैनिक्यूंस लाइटिंग इन द स्टोर एटमोसफियर बंडलिंग म्यूजिक और सेंट अब इन सभी को हम डिटेल में देखते हैं तो फर्स्ट आता है आपके स्टोर का डिजाइन कैसा है जितना अच्छा आपके स्टोर का डिजाइन होगा उतनी ज्यादा आपकी सेल्स तो आपको सही तरीके से आपके लेआउट को डिसाइड करना है उसको चूज करना है जिसपे की बहुत सारे रिटेलर ध्यान नहीं देते अगर आपके स्टोर का साइज अच्छा है किस टाइप का आपका स्टोर है किस नेचर का है आप कौन से लेआउट का यूज करें लाइक ग्रिड फ्रीड फॉर्म रिट्रेक आपको आपके स्टोर में किस टाइप के प्रोडक्ट है उसका क्या पर्पज है उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना होगा नेक्स्ट आता है डिस्प्ले ऑफ पॉइंट ऑफ परचेस ये डिस्प्ले होता है जिसमें कि आप गुड्स को डिस्प्ले करते हैं कि कस्टमर उसको देख के डिसीजन ले सके तो प्रोडक्ट को आप ऑर्गेनाइज तरीके से दिखाते हैं लोग इजीली उसको देख सकते हैं डिफरेंट चॉइसेस आप उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इजीली कंपेयर कर सकते हैं एक प्लेस होती है गुड्स के लिए कि कस्टमर आए वहां देखे फॉर एग्जांपल कि कोई भी कस्टमर स्टोर पे आता है तो उसके आई लेवल पे जो प्रोडक्ट दिखता है वो उस प्रोडक्ट सेल्फ के टॉप पे देखना ज्यादा पसंद करता है तो आपको उनको चेंज करना होगा मतलब आपको ध्यान रखना है कि कस्टमर कहाँ पे किन प्रोडक्ट को देखना चाहता है उसके अकॉर्डिंग आपका पॉइंट ऑफ परचेस होना चाहिए नेक्स्ट आता है मेनिक्यून्स मैनिक्योर्स जो आप पुतले देखते हैं मॉल्स में जाते हैं बाहर या फिर ये क्लॉथिंग के स्टोर पर बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे डमीज होते हैं जो कि ह्यूमन की तरह दिखते हैं और उनको डिफरेंट टाइप के क्लॉथ पहना के उनको प्रेजेंट किया जाता है ताकि लोगों को वो इमेजिन कर सकते हैं कि वो उस पर्टिकुलर ड्रेस को पहनेंगे तो कैसे लगेंगे तो ये डमीज को बहुत अच्छे तरीके से शेप में डिजाइन किया जाता है इनको पूरी रियलिस्टिक बॉडी ऑफ शेप दिया जाता है ताकि वो बिल्कुल रियल तरीके से दिखाई दे नेक्स्ट आता है लाइटिंग इन स्टोर जो भी आप स्टोर विजिट करें हैं आप पे लाइटिंग कैसी है लाइटिंग का एडजस्टमेंट कैसा है ब्राइटनेस अच्छी होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल डायमंड स्टोर पे बहुत ज्यादा लाइटिंग होनी चाहिए ताकि डायमंड शाइन करते हुए दिखे और तो ज्वेलरी स्टोर पे भी यही सेम चीज अप्लाई होती है तो आपको लाइटिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है ब्राइट लाइट यूज करनी है जो कि लोगों को हैप्पी करता, करता है और ज्यादा अट्रैक्ट करता है चीजों को खरीदने के लिए नेक्स्ट आता है एटमोसफेयर एटमोस्फेयर में सारे फैक्टर्स रहते हैं कि आपका जो भी स्टोर का एन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए वहां पर म्यूजिक अच्छा होना चाहिए लाइट अच्छा होना चाहिए डिस्प्ले अच्छा होना चाहिए ताकि आप सबके बीच में कोऑर्डिनेशन कर सके नेक्स्ट आता है बंडलिंग बंडलिंग डिस्प्ले और अरेंजमेंट होता है गुड्स का किसी भी स्टोर में कि आप किस तरीके से जो भी गुड्स है उनको कैसे अरेंज करें फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक आइटम एक कैटेगरी का तो उसके साइड में आपको दूसरा भी रखना होगा फॉर एग्जाम्पल अपेरियल स्टोर मतलब क्लॉथ का स्टोर है तो आपको अगर अपने एक साइड पे डॉप रखे तो आपको साइड में जैकेट रखना होगा ताकि लोग उसके साथ में उसको खरीद सके तो जब भी आप मैनिक्यून्स को डिस्प्ले कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से पूरे आउटफिट के साथ में प्रेजेंट करें ताकि वो ज्यादा अट्रेक्टिव दिखे और लोग एक साथ में शॉपिंग कर सकते हैं नेक्स्ट आता है म्यूजिक म्यूजिक जो कि आपके बैकग्राउंड में चलता है वो डल और बोरिंग नहीं होना चाहिए वरना कस्टमर वहां से भाग जाएंगे वो डिसेंट होना चाहिए अच्छा होना चाहिए ताकि लोग आके वहाँ पे रहना पसंद करें अच्छा फील करें और ज्यादा देर तक शॉपिंग कर सकें फॉर एग्जाम्पल हिप हॉप म्यूजिक सूट नहीं करेगा किसी भी एम्बिशियन या फिर लग्जरी गुड्स के स्टोर पे तो वो कुछ माइल्ड सा म्यूजिक चलाते हैं नेक्स्ट आता है सेंट जो भी आपकी फ्रेग्रेंस रहती है पर्टिकुलर स्टोर की वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो भी स्टोर की स्मेल है वो इम्पोर्टेंट होती है फॉर एग्जाम्पल ऐसी स्मेल का आप यूज ना करें जो कि टेरिबल हो लोग वहां पे रहना पसंद ना करें तो आपको लेवेंडर सेंट जो कि सूथी रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है वनीला सेंट जुक जुक काम रखता है तो इस तरीके से आपको उनको भी चूज करना है नेक्स्ट आता है एक्सटीरियर डिस्प्ले जिसमें हमारा विंडो डिस्प्ले सीजनल डिस्प्ले और कलर एक्सटीरियर डिस्प्ले ये प्रेजेंट होते सारे गुड ताकि कस्टमर को इंटर होते टाइम पे अट्रैक्ट कर सके जिसमें विंडो डिस्प्ले एक असेंशियल होता है कि कोई भी कस्टमर जब भी स्टोर पे इंटर हो रहा है तो चीजें कैसी दिख रही है विंडो डिस्प्ले कैसे मतलब कस्टमर को आइडिया होना चाहिए किस टाइप का वो प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर स्टोर पे मिल जाएगा उसको तो जो भी ब्रांड होती है वो विंडो डिस्प्ले अच्छे तरीके से करती ताकि वो अपने ब्रांड को इंप्रेसिव बना सके नेक्स्ट आता है सीजनल डिस्प्ले सीजनल डिस्प्ले आपके प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स को बताता है जो भी सीजन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग फॉर एग्जाम्पल स्टोर हमेशा चेंज करता चलता रहता है अपने डिस्प्ले को जो भी सीजन है सीजन के हिसाब से या फिर कुछ फेस्टिवल से तो उसके अकॉर्डिंग फॉर क्लॉथिंग तो समर में आप अलग क्लॉथ्स को दिखाएंगे विंटर में आप ज्यादा स्वेटर्स जैकेट्स को दिखाएंगे तो सीजन के हिसाब से आपको आपके डिस्प्ले को चेंज करना है नेक्स्ट आता है कलर कलर किसी भी स्टोर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितने क्रिएटिव तरीके से किस काइंड के इन्वायरमेंट को आप दिखाना चाहते हैं तो प्रॉपर कलर पेंट होना चाहिए आपके स्टोर पे उसका भी आपको ध्यान रखना है तो विजुअल मर्चेंडाइजिंग के इस वीडियो में आपने पढ़ा इसका मीनिंग डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स जिसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर डिस्प्ले वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं थैंक यू